प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग सिस्टीन ग्रुप का की स्टार्टिंग किए थे, जिसमें हमने आपको सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स की जो अकरेंस है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एलाइसन एंथैल्पी, एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी स्टडी किए थे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे सिस्टीन ग्रुप का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में कि सिस्टीन ग्रुप के एलिमेंट का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है, किस फॉर्म में पाए जाते हैं, उनके एलोट्रॉपिक नेचर है कि नहीं है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में उनके पढ़ेंगे, एंड देन हम उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, हाइड्राइड, ऑक्साइड, हैलाइड के बारे में। तो जिन बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर का वीडियो नहीं देखा, जरूर देख लेंगे, तभी आगे वो कंटिन्यू समझ में आएगा। तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, जिससे आपको और ज्यादा कंटेंट मिल सके। ये तो वीडियो आपका बन रहा है, ये बोर्ड के साथ साथ पूरा मैं नीट और IIT भी कवर कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग थॉरली, सिंसियरली, केयरफुली वीडियो को सुने, नोट्स बनाए, जो डाउट्स हो उसको पूछे, डिस्कस करें, और ताकि आप जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट और IIT को क्रैक कर सकें और बोर्ड में भी मोर देन 95% मार्क्स आप स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टीन ग्रुप एलिमेंट्स। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का मतलब बेटा कि जो सिस्टीन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं किस फॉर्म में होते हैं, एटॉमिक फॉर्म में होते हैं, डायटॉमिक फॉर्म में होते हैं, ट्राईएटॉमिक फॉर्म में होते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो सिस्टीन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं बेटे, वो कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट्स हैं आपके ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, जिसमें ये मेटल, पोलोनियम आपका मेटल और रेडियो एक्टिव है, दो नॉन मेटल और मेटालॉइड है। तो सबसे पहले आप देखिएगा आपका जो ऑक्सीजन है ये डाइएटॉमिक फॉर्म में होता है और ओजोन में ट्राइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डाइएटॉमिक फॉर्म में, लॉन्ग विद द ट्राइएटॉमिक फॉर्म। आप जरा देखिए, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग को पढ़े हैं, आपको मालूम है कि ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 1s2 2s2 2p4, यहां पर बैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन 4+2 6 इलेक्ट्रॉन, 2+4=6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो यहां इनके बीच में जब दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, अब आप इसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। कैसे, आप जरा समझिएगा, ये पी है 1 2 3 4, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले पी से क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या में जा रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है, बट एक्चुअल में ऑक्सीजन O2 किस फॉर्म में होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर से होता है। क्या से होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। O2 इज पैरा मैग्नेटिक। इसके ब्याह पर आपने पता किया, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्यों, आप याद करिए कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन O2 इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देयर इज अ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट इज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। अब हम बात करते हैं सल्फर की। तो सल्फर बेटा स्पेशली बेसिकली सबसे ज्यादा S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, हालांकि ये S6 से लेकर S20 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जो मोस्ट स्टेबल इसका फॉर्म होता है वो S8 होता है, वो भी S8 में भी रोम्बिक फॉर्म में। ये सबसे ज्यादा जिसका जो रोमिक स्ट्रक्चर होता है सल्फर का, वो मोस्ट स्टेबल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज मोस्ट स्टेबल, रोमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सल्फर इज मोस्ट स्टेबल, विच इज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड।
तो ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में पाए जाएंगे, जबकि ऑक्सीजन किस फॉर्म में था? डाई एटॉमिक फॉर्म में था, और ओजोन जो होता है वो थोड़ी मात्रा में होता है वो ट्राई एटॉमिक फॉर्म में होता है। बाकी सारे एलिमेंट दे एग्जिस्ट इन द ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म एंड दे फॉर्म द पकड़ लाइक स्ट्रक्चर। ये आप देखिए ये पकड़ लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे यहां पर देखिए एक सल्फर है, यहां पर एक सल्फर है, यहां पर एक सल्फर है, इनके बीच बॉन्डिंग हुई ठीक है, और एक सल्फर यहां है, यहां है, यहां बॉन्डिंग हुई, और एक सल्फर आपका यहां है जो इसके साथ ही बॉन्डिंग कर लिया, तो पकड़ लाइक स्ट्रक्चर बनाता है सल्फर। बाकी सेलेनियम टेलुरियम भी पकड़ लाइक स्ट्रक्चर आपका एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दे फॉर्म ओनली द, दे कैन फॉर्म ओनली द सिंगल बॉन्ड, ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई द बियॉन्ड ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन द ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म, तो आप बोलोगे बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म द पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन के अलावा बाकी कोई भी एलिमेंट पाई बॉन्ड बनाने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। Except O2, except oxygen, no other 16 group element, 16 group elements are able to form pi bond due to large size. Only oxygen is capable to form the pi bond, except other elements forms only single bond. ये single bond बनाएंगे, sigma bond बनाएंगे, ये double bond नहीं बना सकते हैं। That's why they exist in the earth. सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में जिसका नाम है बेटा एलोट्रॉपिक नेचर। सबसे पहले आप समझ लीजिए एलोट्रॉपी क्या होती है। एलोट्रॉपी जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म, मार्क मींस होता है फॉर्म, पॉली मींस मेनी, तो किसी एलिमेंट का बहुत सारे फॉर्म में एग्जिस्ट करना दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। उसे क्या बोलेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। जैसे बेटे आप समझिएगा एक सिंपल से लॉजिक को, आपने खोया लिया, उससे पेड़ा बनाया, बर्फी बनाई, कलाकंद बनाया, इन सब की फिजिकल स्टेट क्या है? प्रॉपर्टी सेम है, टेस्ट सेम है, क्योंकि इसमें आपने शुगर मिलाया है और खोया है, लेकिन इनके फॉर्म अलग अलग है, सेम अलग अलग दुकानदार ने बनाया है, तो ये आपस में क्या हुए? एलोट्रॉप्स हुए। क्या हुए? पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, ये सब आपस में क्या हुए बेटा? एलोट्रॉप्स हुए। तो एलोट्रॉप्स का मतलब समझिएगा, मैंने यहां डिफिनीशन भी लिख दिया है, एक्सिस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट मोर देन इन वन फॉर्म विद सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज कॉल्ड एलोट्रॉपी एंड दस फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे? उन्होंने एलोट्रॉप्स बोलेंगे या पॉलीमॉर्फ बोलेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट। तो ऑक्सीजन तो बहुत कम एलोट्रॉपिक नेचर शो करता है। ऑक्सीजन आपको पता है कि O2 माने ऑक्सीजन और ओजोन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O3 ओजोन, तो ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स हो गए O2 और O3। सल्फर की बात करते हैं, सल्फर में आपका होगा मोनोक्लिनिक, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर,
प्लास्टिक सर्वर कोलाइडल सर्वर। तो आपको ये प्लास्टिक और कोलाइडल नहीं, सिर्फ दो सल्फर के बारे में जानना है, रोमिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर, और दोनों ही केस में सल्फर एसिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन रोमिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, सल्फर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एसिड, इन विच रोमिक सल्फर दिस इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ये सल्फर का सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म है। ठीक, आपका जो रोमिक सल्फर है इसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं बेटा, और जो आपका मोनोक्लिनिक सल्फर है इसको हम लोग बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया एलाट्रॉपिक नेचर। तो एलाट्रॉपिक नेचर ये सारे एलिमेंट्स करेंगे, ऑक्सीजन दो फॉर्म में, O2O3 सल्फर, रोमिक मोनोक्लिनिक प्लास्टिक सल्फर, कोलाइडल सल्फर। ठीक, अब एक बात बता दे, मैंने आपसे पहले कहा कि सल्फर S6 से लेकर S20 के फॉर्म में S8 S6, ये दोनों जो फॉर्म है ये आपके डाया मैग्नेटिक होंगे। क्या होंगे बेटा? डाया मैग्नेटिक होंगे, क्योंकि इनमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। इन द पेपर फेज O2 फॉर्म ऑफ द सल्फर इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। यहां से क्वेश्चन आता बोर्ड में, पैरा मैग्नेटिक, तो विच फॉर्म ऑफ सल्फर इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर? S2 फॉर्म ऑफ द सल्फर इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। इन द पेपर फेज S2 फॉर्म ऑफ द सल्फर इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर। अब आपसे मान लीजिए कोई सवाल दाग दे कि YS2 इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर इन द पेपर फेज, तो आप बोलोगे S2 इज पैरा मैग्नेटिक इन नेचर इन द पेपर फेज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लाइक द O2। आप याद करिए O2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप देखते थे कि उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी तरह से सल्फर के S2 फॉर्म में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। तो ये हो गया आपका एलोट्रॉपिक। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। तो जब आप फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हो तो यहां पर एक दो सवाल बनते हैं, बोर्ड के लिए भी आपको ध्यान से समझना होगा कि व्हेन वी टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो समझिएगा पहले आपका एलिमेंट कौन कौन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। केवल ऑक्सीजन गैस है, बाकी सब सॉलिड है। ठीक, तो सवाल एक बड़ा मुद्दा खड़ा होता है, वाई O2 इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, वेयर एज सल्फर इज अ सॉलिड। अभी अभी आपने बहुत ताजा ताजा देखा कि ऑक्सीजन ओ एग्जिस्ट इन डाई एटॉमिक फॉर्म, वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट इन पॉली एटॉमिक फॉर्म, माने ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म। अब बट नेचुरल है कि जब एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की बहुत कम एटॉमिसिटी है, तो बट नेचुरल उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? हाई होगी। तो वाई सल्फर इज सॉलिड बट ऑक्सीजन इज गैस, तो सल्फर इज सॉलिड ड्यू टू द हाई एटॉमिसिटी देन द ऑक्सीजन। तो इसका एक सिंपल सा आप जवाब दे सकते हो कि ड्यू टू, ये भी लिख सकते हो आप, ड्यू टू हाई एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर इट इज सॉलिड, वेयर एज ऑक्सीजन एग्जिस्ट ओनली इन डाई एटॉमिक फॉर्म।
क्लियर। तो सल्फर केवल डायटॉमिक फॉर्म में होता है, इसलिए वो क्या बेटा है, सॉरी सल्फर पॉलीएटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिसिटी बहुत ज्यादा है इसलिए वो सॉलिड है, और ऑक्सीजन केवल डायटॉमिक इसलिए वो गैस है। दूसरा आप चाहो तो और एक पॉइंट में बढ़ा सकते हो, इन केस ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर की साइज बड़ी हो जाएगी तो सल्फर का वंडरवाल फोर्स बढ़ जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाएगा, वो ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में है तो उसका जो है फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा, दैट इज इन द सॉलिड स्टेट। तो इन द सिस्टीन ग्रुप एक्सेप्ट ऑक्सीजन अदर ऑल एग्जिस्ट, अदर एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट, ओनली ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन द गैसियस स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में क्यों है, ऑल आर एग्जिस्ट इन द पॉलीएटॉमिक फॉर्म, एंड डाउन द ग्रुप आल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वन डर वॉल फोर्स इंक्रीजेस। अब हम बात करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट की, बात कर लेते हैं बेटा। तो डाउन द ग्रुप बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बीपी एंड एमपी ड्यू टू इंक्रीज इन वन डर वॉल्स फोर्स। अगर कोई आपसे पूछे कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ेगी जिससे कारण वंडरवाल फोर्स बढ़ेगा। तो वंडरवाल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, साइज बड़ी होगी तो वंडरवाल फोर्स ज्यादा लगेगा। तो जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, एलिमेंट की साइज बढ़ती है, एलिमेंट की साइज बढ़ेगी तो उनके बीच में लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा, रिजल्ट क्या होगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। याद रखिएगा मैंने यहां पोलोनियम नहीं लिया, पोलोनियम की केस में स्लाइटली बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है उसके स्ट्रक्चर के कारण। तो ये आपका हो गया बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, ये ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इन सिस्टीन ग्रुप बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स व्हिच इज कॉल्ड वन डर वॉल्स फोर्स बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी। नेक्स्ट हेडिंग लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी, ध्यान से समझिएगा। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम बाकी, अब आप जरा समझिएगा ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, माने क्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है। इसका मतलब जब भी ये बॉन्ड बनाएगा तो फ्लोरीन को छोड़ करके बाकी किसी भी एलिमेंट के एटम के साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो माने ऑक्सीजन जहां भी होगा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निगेटिव होगी एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो इसीलिए बेटा ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2, एक्सेप्ट -2 -1, कहां पर, परऑक्साइड में, -1/2 कहां, सुपर ऑक्साइड, और O2 में यहां पर +2 यहां पर +2, ये दोनों ही कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो ऑक्सीजन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, -2 के अलावा ये -1, तो -1/2 ही शो करता, -1 कहां, परऑक्साइड में, -1/2 कहां, सुपर ऑक्साइड में। OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, O2F2 में +1, बिकॉज यहां पर ध्यान से समझिएगा एक ऑक्सीजन से दो फ्लोरीन, फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक फ्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक, दूसरे को एक देना किसको पड़ेगा, इसको, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो क्या आएगा, दो पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है इसका है? क्या है 2, 6। अब आप गेट पूरा करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन ले सकता,
ठीक, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो क्लोरीन इसका बाप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, फ्लोरीन लेगा, तो व्हाट नेचुरल ऑप्शन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखिएगा आगे हम आते हैं सल्फर की तरफ, तो ऑक्सीजन एक क्लियर हो गया कि मोस्टली माइनस टू स्टेट में रहेगा। सल्फर केवल सल्फाइड्स में, इन सल्फाइड्स में माइनस टू स्टेट में एग्जिस्ट करता है। किस स्टेट में डा, माइनस टू। सल्फाइड्स माने जैसे मेटल सल्फाइड्स Na2S ZnS, यहां किस स्टेट में होगा, माइनस टू। बाकी सब जगह क्या होगा बेटा, प्लस फोर प्लस सिक्स, प्लस फोर प्लस सिक्स। तो इन सब की, बाकी सब की क्या होगी, प्लस फोर एंड प्लस सिक्स। ऑक्सीजन के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस टू, बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस फोर एंड प्लस सिक्स, इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप जरा देखिएगा डाउन द ग्रुप प्लस फोर स्टेट is more stable than plus 6 state due to inert pair effect। inert pair effect की चर्चा हम ऑस्ट्रेलिया में किए हो, ठीक। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सेप्ट ऑक्सीजन प्लस 4 प्लस 6, लेकिन जब डाउन द ग्रुप जाओगे, जैसे से नीचे जाओगे, प्लस फोर स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इन कंपैरिजन टू प्लस सिक्स स्टेट ड्यू टू इनर पेयर। क्या होता है इनर पेयर में, कि जो ये NH2 का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से फोर्सली बॉन्डेड हो जाता है और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, रिजल्ट सिर्फ फोर इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं और कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, प्लस फोर हो जाती है। अब जरा हम वैलेंसी की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। वैलेंसी भी देख लीजिए आप, दो एलिमेंट को एग्जांपल में लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। 8 16 1s2 2s2 2p4 2p6 3s2 3p4 थर्ड सेगमेंट ही सबसे ज्यादा 3d0। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। यहां पर आप देखो ये 2s है और ये 2p है और ये इसका वैलेंस है, और वैलेंस सेल कौन सा, सेकेंड सेल, सेकेंड सेल में डिस्टर्ब से नहीं होगा। तो क्या इज इट पॉसिबल टू एक्सपेंड द इलेक्ट्रॉन, नो, यहां पर इलेक्ट्रॉन का एक्सपेंशन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन अपना दायरा नहीं बढ़ा सकता। तो कितने बन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, दो कोवेलेंट बॉन्ड, और ये दो बॉन्डिंग बॉन्ड बना सकता है। तो बहुत अगर मेहनत करेगा ऑक्सीजन तो कितने बॉन्ड बना पाएगा, चार, दो कोवेलेंट और दो कोऑर्डिनेट। इसलिए इसकी जो सबसे स्टेबल बॉन्ड होती है इसकी कोवेलेंसी कितनी होती है, कितनी होती है, टू। और चूंकि हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव है इसीलिए आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, कोवेलेंट के साथ साथ क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड। अब आइए सल्फर को देखिएगा, जरा सल्फर और इसके बाद के जितने एलिमेंट्स हैं ये आप इनका ऑर्बिटल बना दीजिए, 3s 3p 3d, एक दो। यहां पर देखिए डी सब सेल भी है, इलेक्ट्रॉन अपना दायरा बढ़ा सकता है। अब जब इसका दायरा बढ़ गया, देखिए आपके सामने तस्वीर है, अब क्या कर सकता है, ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, कि कितने, पहले कितने बना सकता था, दो, पहले कितने बना सकता था, दो, अभी कितने बना सकता है, एक दो तीन चार पांच छह। तो बियॉन्ड ऑक्सीजन, बियॉन्ड ऑक्सीजन अदर एलिमेंट्स कैन
एक्सपेंड देयर बैलेंस सी मोर देन टू, अप टू सिक्स कर दीजिए, बैलेंस सी अप टू सिक्स, सिक्स पॉइंट। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया आपका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट पार्टी हम लोग देखते हैं फटाफट से, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, वाई ऑक्सीजन सो एनोमेलस बिहेवियर, सो एनोमेलस बिहेवियर इन इट्स रेस्पेक्टिव ग्रुप, एनोमेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अपने ग्रुप में बाकियों से डिफरेंट कैरेक्टर शो क्यों करता है, एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करता है। तो ऑक्सीजन का एनोमेलस बिहेवियर शो करने का कारण स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, एबिलिटी टू फॉर्म पाई बॉन्ड, इसीलिए डायनामिक होता है। ड्रॉबैक क्या है? कैन नॉट एक्सपेंड वैलेंसी।